गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब ये है एक टॉर्च जो कि भाई साहब रात को हमें रास्ता दिखा सकती है। लेकिन गाइस इसका साइज देखिए एक बार, ये जो है थोड़ी छोटे साइज की टॉर्च है, इससे बड़ी जो नॉर्मल साइज की टॉर्च आती है वो भी आती है। लेकिन गाइस हमारा काम है कुछ क्रेजी करना और आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी टॉर्च जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा ना आपने कभी देखा होगा। गाइस आज हम बनाने वाले हैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट टॉर्च, यानी कि सबसे बड़ी इस तरीके की टॉर्च लाइट। जी हाँ, जो कि आप लोग, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आपने कभी भी नहीं देखी होगी। तो फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं गाइस किस तरीके से हम इस बड़ी टॉर्च को बनाते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि एक इंसान से कम 5-6 गुना बड़े साइज की, मजा तो आने वाला है ना। सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आप लोग वीडियो के लिए सिर्फ लाइक का बटन दबा देना, क्योंकि गाइस अगर आप लाइक करते हैं तो हमको वैसी और मस्त मस्त वीडियोस बनाने के लिए और हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। शुरू करते हैं फटाफट से। अब दोस्तों, छोटी सी टॉर्च का बड़ा रूप बनाने के लिए वैसे तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन मेरे दिमाग में एक स्मार्ट आइडिया है। स्मार्ट आइडिया ऐसा है कि मेहनत हम पहले कर चुके हैं आधी, तो कैसे, जल्दी ले आओ इसको। गाइस यहां पर है वो जुगाड़ जिसकी मदद से हम टॉर्च को बड़ी बना सकते हैं बहुत आसानी से। गाइस ये है हमारा वही फ्रेम जो कि हमने सबसे बड़ा भोपू बनाने में यूज लिया था, यानी कि सबसे बड़ा हॉर्न बनाया था। और ये जो है, बाद में हमने नोटिस किया कि ये जो है ना यार, ये एकदम एक टॉर्च की शेप भी दे सकता है। तो ये जो है बना बनाया तैयार है, 3-4 दिन में ये बना था। तो अब जो है ये तो हमको बना हुआ ऐसे जैसे मिल ही गया है। सिंपली हमको इसके ऊपर कवर करना है, मतलब ढांचा मिल गया है लेकिन अभी पूरी शेप देनी है स्पीकर के अंदर। तो जो हमने एक जो है एक छोटा सा स्पीकर लगा दिया था, मतलब बड़ा सा स्पीकर लगा दिया था, काम हो गया था। लेकिन टॉर्च के अंदर आवाज का कोई सेंस नहीं है, यहां पर लाइट होनी चाहिए, रिफ्लेक्टर होना चाहिए। एक बार इधर आओ, मैं आपको पूरी टॉर्च की स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। गाइस ये देखो, गाइस टॉर्च के अंदर एक इस तरीके का जो है रिफ्लेक्टर होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एक इस तरीके का ग्लास होता है जो कि जरूरी तो है नहीं, बस ये है कि अंदर मिट्टी विट्टी घुसने से बचाता है, रिफ्लेक्टर जरूरी है। और अंदर एक लाइट सोर्स होना चाहिए जो कि एलईडी है इसके केस में, और साथ ही साथ में एक पावर हाउस होना चाहिए। हमको पावर देना है, रिफ्लेक्टर लगाना है, लाइट लगानी है, काम खत्म, और इसको कवर करना है। चलो भाई अब जल्दी से जो है इसमें जुटते हैं। और गाइस इस बार कोशिश करेंगे कि आज रात को ही इसको जो है टेस्ट करके देख लिया जाए, क्योंकि हमको ये भोपू बनाने में तो यार बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था। दोस्तों हम लोग तो आपके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं और उनमें बहुत सारा पैसा भी लगता है। और गाइस जब बात आती है पैसे की, तो क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आपके पास में भी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग होने चाहिए। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं बिनोमो के बारे में। दोस्तों बिनोमो एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ट्रेडिंग करके थोड़ी सी अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस ये है बिनोमो का इंटरफेस, और यहां पर ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है इसमें हमें सिंपली प्रेडिक्शन करना है कि जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मुझे लगता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैं अप पे क्लिक कर देता हूं और अब हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं जो ग्राफ है वो ऊपर ही फिनिश हुआ है और हमने अर्निंग कर ली है। और गाइस आप इस अर्निंग को बहुत इजीली विड्रॉल भी कर सकते हो। और गाइस अभी बिनोमो पर चल रहा है अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड ट्रेडिंग कप, जहां पर विनर को मिलने वाले पैसे से एक BMW गाड़ी भी खरीदी जा सकती है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में है लिंक बिनोमो का, फटाफट से चेकआउट कर लीजिए। अगर आप हमारे लिंक से अभी चेकआउट करते हैं तो आपको अपने डेमो अकाउंट में $1,000 प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, वहां से आप सीख सकते हैं। जब आप सीख जाए तो आप रियल मनी से ट्रेडिंग करके थोड़ी सी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों टॉर्च के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक LED लाइट है जो कि इसका पावर सोर्स है, जो कि इस साइज की टॉर्च को चलाता है। छोटा सा एक येलो कलर का डॉट है जो कि कुछ वॉट का होता है। लेकिन गाइस इतनी बड़ी टॉर्च के लिए हमें एक बड़े पावर हाउस की जरूरत पड़ेगी, जो कि है गाइस यहां पर। ये एक 200 वॉट की LED है, यानी कि 200 वॉट की है। और आप लोग देखो इसका जो LED लाइट है, जो सोर्स है वो कितना बड़ा है। उस टॉर्च का बिल्कुल छोटा सा 2-3 mm का है, लेकिन गाइस इसका आप देख सकते हो लगभग 2 cm का है। 200 वॉट जब LED की पावर आती है ना, वो गाइस बहुत ज्यादा लाउड होती है। लाउड मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है, आंखों से तो देखा भी नहीं जा सकता, इसको बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहां पर देखो
SL 200 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो लाइट है यही जो है सिर्फ लगभग 28,000 रुपए की एक लाइट है। तो गाइज यहाँ पर है रिफ्लेक्टर और ये जो है हमारी बड़ी टॉर्च की लाइट को एक जगह पर फोकस करेगा, यानी कि जो रोशनी है वो इधर उधर ना जाए उसका इंतजाम ये करेगा। दोस्तों ये जो है एक 120 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक सॉफ्ट बॉक्स है जो कि जनरली वीडियोस के अंदर यूज आता है रिफ्लेक्टर के रूप में, लेकिन गाइस हम इसको टॉर्च में भी यूज ले सकते हैं। आप इसका साइज देखो एक बार कितना बड़ा है। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एलईडी है ये इस रिफ्लेक्टर के अंदर सीधी ही सेट हो जाती है कुछ इस तरीके से, और अब ये जो है एक सिंगल सेटअप बन चुका है जो कि लगेगा हमारी बड़ी टॉर्च के अंदर, और इसको जो है इधर से घुसाना पड़ेगा और इसकी जो है गाइस आपके सामने ही प्लेसमेंट कर देते हैं। अब देखो बड़ी बड़ी चीज़ें जब बनती है तो ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ता है। यहाँ तो रिफ्लेक्टर लग गया लेकिन ये जो पार्ट है ये लाइट को खा जाएगा, ये जो कवर होगा अगर यहाँ पर अगर ब्लैक कवरिंग करते हैं तो लाइट को खा जाएगा, तो हम तो नहीं चाहते यार रोशनी ज़्यादा ज़्यादा जानी चाहिए, तो उसके लिए इस पूरे पार्ट को भी रिफ्लेक्टर से कवर करना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उस रिफ्लेक्टर के लिए हम क्या पता है क्या यूज़ करेंगे, बहुत मस्त चीज़ है जो घरों में भी यूज़ आती है गाइस, ये है एल्यूमिनियम फॉइल यानी कि सिल्वर फॉइल, और ये बनेगा हमारी इस बड़ी टॉर्च का रिफ्लेक्टर। इसको ऐसे ही उखाड़ लेते हैं, ये मेरे से हट क्यों नहीं रही है गाइस। यहाँ पर पता है ये जो फॉइल है ना, देखो ये कितना तेज चमक रही है, रोशनी जो है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर इसकी इस मेटल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इसका बड़ा रिफ्लेक्टर बनाने के लिए। लेकिन गाइस बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी नाजुक होती है, देखो देखो ये मेटल भले ही है लेकिन बहुत आसानी से फट जाता है, बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा। चलो दोस्तों यहाँ पर जो है डबल टेप का यूज हमको करना पड़ रहा है ताकि हम पूरे पे जो रिफ्लेक्टर है उसको चिपका सके। दोस्तों यहाँ पर ये जो टुकड़ा था ना ये हमने हटा दिया क्योंकि जो टॉर्च की शेप है ना वो यहाँ तक भी काफी बड़ी आ रही थी, तो भाई फाइनली जो हमारी सबसे बड़ी टॉर्च थी वो तैयार हो चुकी है। और गाइस यहाँ पर है सबसे बड़ी टॉर्च। इतने बड़े साइज की हमारी टॉर्च जो है वो बन चुकी है। अगर दिखाएं इसका पावर सोर्स तो यहाँ पर अंदर देखो गाइस, अंदर वहां पर लगी हुई है एक एलईडी जो कि है पावरफुल 200 वाट यानी 200 वाट्स की। अगर आप इसकी इस ओपनिंग को भी देखोगे तो भी ये जो है काफी बड़े साइज की है, 5 जो है फीट इसका एक ये वाला लेंथ है, तो आप समझ सकते हो कि 25 स्क्वायर फीट इसका ओपनिंग है। पूरे में हमने रिफ्लेक्टर लगाया है ताकि जो रोशनी है वो अंदर खराब ना हो, एक दूसरे से चारों तरफ से रिफ्लेक्ट होके सारी की सारी सामने ही आए और जो रोशनी है वो सारी टॉर्च से बाहर निकल पाए, क्योंकि अगर ये ब्लैक होती ना तो गाइस गड़बड़ हो जाती। साथ ही साथ में गाइस इसका कलर कॉम्बिनेशन है जो कि इधर आकर के दिख रहा है ब्लैक एंड सिल्वर का, वो भी अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। अब गाइस सिर्फ और सिर्फ इसको टेस्ट करने की बारी है, अब आपको दिखाते हैं इसका पावर हाउस और उसके बाद में इसको करेंगे टेस्ट। अब जो अंधेरा भी होने वाला है तो वो चीज़ भी बढ़िया है, एक कटर चाहिए मुझे। दोस्तों इसका साइज नाप रहे हैं कि कितनी लंबी ये है, तो यहाँ पर ओ गाइस जो टॉर्च है देखो वो यहाँ फिनिश हो रही है जो कि है 20। ओहो देखने में लग रही है 17-18 की लेकिन 20 फीट की है एक्चुअली में मेजरमेंट में। ओहो 20 फीट की टॉर्च बन चुकी है। अब आपको दिखाते हैं इसका पावर हाउस, इसको काट के आपको पता एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है यानी कि अंधेरा होने वाला है, रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसको पावर कहां से देना है, पूरा अभी तो कवर हो चुका है। तो इसके अंदर गाइस लगभग यहां पर है इसके अंदर के वायर्स, तो एक कट यहां पर हमको गाइस जरूर से मारना पड़ेगा। तो गाइस बिल्कुल यहां पर जो है तार को बाहर निकाल लेते हैं।
तो भाई अंधेरा तो नहीं हुआ है लेकिन हमसे रुका नहीं जा रहा है इसको टेस्ट करने के लिए, तो एक बार जला के तो देख ही लेते हैं रोशनी भले ही, क्योंकि बाहर सूरज की भी रोशनी है तो इतना अच्छा नहीं दिखेगी, लेकिन टेस्ट करेंगे काम कर रही है नहीं कर रही, फिर रात को बढ़िया से टेस्टिंग हो जाएगी। तो गाइस बटन दबाते हैं इसको नहीं कर रहे, इसको तो हो गई टेस्टिंग गाइस, इसकी तो रोशनी आपने देख ली। अब करते हैं हमारी बड़ी लाइट को टेस्ट, सिंपली इसमें हाथ घुसाना है, पता होना चाहिए नहीं तो इसमें बिजली है गाइस। ओए ऑन कर रहा हूँ, ठीक है देखते हैं कि क्या होता है गाइस। अरे बटन नहीं मिल रहा बटन नहीं मिल रहा, मिल गया लगता है, दबा रहा हूँ, ठीक है जल गई क्या लाइट आ गई गाइस। इतनी बड़ी जो टॉर्च है वो सक्सेसफुली तो यहाँ पर जल चुकी है, वाओ यार रोशनी भी काफी ठीक ठाक है, इधर से देखो एक बार क्या बात है, अभी लाइट मस्त है यार, अभी जो है अंधेरा हो जाएगा ना उसके बाद इसकी रोशनी ढंग से देखने को मिलेगी, क्योंकि यार सूरज की रोशनी के सामने कितनी बड़ी टॉर्च लगा लो वो कुछ भी नहीं कर सकती है। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी मेरे हिसाब से, कम हो रखी है यार। दोस्तों यहाँ पर जो रोशनी है वो इसे एक बटन से आधी यानी कि डबल भी हो जाती है और आधी भी हो जाती है, तो भाई साहब अब जो है ये इसकी फुल इंटेंसिटी पर है, और अब जो लाइट है वो एक्चुअली में ओहो इसका जो कोर है उसको देखा भी नहीं जा रहा है, और आप हमारी इस रिफ्लेक्टर को देखो, ये रिफ्लेक्टर जो है पूरी की पूरी जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपको हर जगह पर रोशनी दिखेगी, 200 वॉट एलईडी इतना ज़्यादा है कि सामने से तो यार ये देखा भी नहीं जा रहा है। ओहो भाई साहब हमारा जो आइडिया है वो काम किया है, मजा आ गया इसको, और अभी तो रात होने दो, उसके बाद और ज्यादा मजा आएगा। जल तो गई भाई, अतः आज सुबह शुरू किया था, शाम तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जलने की खुशी देख सकते हो क्योंकि यार जब इतनी बड़ी चीज एक दिन में बनाई हुई बिना टाइम वेस्ट किए जब काम करती है तो मजा आता है। ठंड बढ़ चुकी है लेकिन रात हो चुकी है, और अब बारी है इस टॉर्च को टेस्ट करने की कि ये जो है किस तरीके से काम करती है रात को। भाई साहब ठंड हो रखी है लेकिन गाइस अगर ब्लैक कलर की जैकेट पहनेंगे ना तो यार वहां गड़बड़ हो जाएगी, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, इस टी शर्ट के ऊपर इस कपड़े पे आपको असली लाइट दिखेगी। अभी जो है हमारी इमरजेंसी लाइट जल रही है यानी कि रात हो गई है, और जो एक्स्ट्रा लाइट्स है ना वो जल रही है, और आप लोग देख सकते हो कितनी रोशनी है। ये जो टॉर्च है इसका आगे का हिस्सा है, इसके आगे जो है अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि नॉर्मल रोशनी में जो हमारा एक तरीके से फ्लैश होता है इमरजेंसी लाइट जो फ्लैश से थोड़ी तेज होती है उसकी रोशनी में इतना दिख रहा है। तो यहाँ पर कैमरा की जो सेटिंग्स है वो चेंज नहीं की जाएंगी, यानी कि कैमरा को जितनी लाइट दिख रही है उतनी ही दिखेगी, अगर लाइट बढ़ेगी तो आपको ब्राइट ज़्यादा दिखेगा। नॉर्मली आपका फ़ोन का कैमरा क्या करता है कि जैसे ही लाइट तेज होती है ना वो अपने आप उसको डिम करके आपको नॉर्मल लाइट दिखा देता है, लेकिन यहाँ पर ये जो कैमरा है ये आपको एक्चुअल लाइट दिखाएगा, अगर लाइट ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा ब्राइट भी हो जाएगी। ठीक है तो यहाँ पर आ जाओ, लाइट सेटिंग्स चेंज होगी, कैमरा सेटिंग्स चेंज नहीं होगी, लाइट को करता हूँ ऑन और देखते हैं कि क्या जलता है, उम्मीद है बड़े धमाके की यहाँ पे। ठीक है 3, 2, 1 गो। गाइस अरे लाइट देखो, देखा ही नहीं जा रहा यार, मैंने एक बार नजर डाल ली इसमें गलती से, शिट यार जो इसका सेंटर है ना, जो इसका सेंटर है उसमें से बहुत तेज रोशनी आ रही है। ओहो गाइस आप लोग देख सकते हो कैमरा सेटिंग्स बिल्कुल चौतरी, ओ मैं देख रहा हूँ कैमरा, ओ अरे हम भूत जैसे दिख रहे हैं टी-शर्ट का येलो कलर। ओहो गाइस ये टी-शर्ट येलो थी लेकिन 200 वॉट की एलईडी है और वो भी ऊपर से सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, देखो यहाँ पर जो नजारा है वो शानदार दिख रहा है। तो अब एक काम करते हैं, ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं मेरे हिसाब से, है ना, दिख पा रहा है ठीक से नहीं, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कैमरा सेटिंग्स एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि गाइस यहाँ पर करना ही पड़ेगा, अभी सेम सेटिंग्स पे यार हद हो गई, मतलब हमको उसमें दिखे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, सब लोग अंग्रेज बन चुके हैं। अब ठीक है एक बार मुझे दिखा दो कैसी लाइट आ रही है, अब ठीक है गाइस, अब आप ये मत समझना कि लाइट कम हुई है, लाइट को कम किया गया है आपको दिखाने के लिए, बस लाइट बहुत तेज है और यार इसमें तो जो है सीधा दिखा ही नहीं जा रहा, और यहाँ पर अब मुझे गर्मी भी फील हो रही है,
देखो इस ठंड है, लेकिन आपको मैं सिर्फ ही कलर दिखाने के लिए अपना जैकेट निकाला था। बट भाई साहब अब एक बार पीछे जाके पूरा दिखाओ, देखो इसकी जो रोशनी है गाइस वो कहां तक जा रही है, जहां तक जा रही है वहां तक सब कुछ क्लियर दिख रहा है। पेड़ जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तरीके से दिन में ही हो, पेड़ पूरा का पूरा एकदम साफ दिख रहा है। इधर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है छोटा मोटा, तो ये भी एकदम क्लियर दिख रहा है। गाइस अब आ रही है सबसे मजेदार पार्ट की, टॉर्च जो होती है ना रखे रहने कैमरा की दर है भाई, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा कैमरा का कुछ भी नहीं दिख रहा इससे बाहर अब दिख गया कैमरा। तो अब क्या करेंगे गाइस, जो टॉर्च होती है ना वो एक जगह रखे रहने के लिए नहीं बनती, टॉर्च बनती है गाइस मोमेंट के लिए, किसी चीज को ढूंढने के लिए, सर्च लाइट की तरह। तो अब इसको उठाएंगे, उठा करके देखेंगे, चलो ओए कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ ठीक है उठ गई। अरे इधर लाइट मारो थोड़ा दिखाओ गाइस, ये हमारी इमरजेंसी लाइट थी, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी टॉर्च है वो हिल डुल रही है, वो चल रही है। चलो इसको ट्रैक्टर पर मारते हैं गाइस, यहाँ पे ट्रैक्टर है, और ये देखो रात में दिन जैसा माहौल हो गया है भाई साहब। जबकि टॉर्च कितना दूर है, ओ इधर मारो इधर भाई देखो टॉर्च इतना दूर है, लेकिन जो ट्रैक्टर है उसकी हालत देखो, एक बार इधर आओगे एक बार, हाँ ठीक है इधर है भाई, देखो एक बार क्या बात है मतलब इतना दूर है। ओहो ये होता है गाइस जब 200 वॉट एलईडी सीधा पड़ती है एक जगह पर। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हुई है कि बिल्कुल भी लाइट वेस्ट नहीं हो रही है, सारी रिफ्लेक्ट होकर चीज पर डल रही है। और आप लोग देख सकते हो जब ये टॉर्च मूवमेंट करती है तो कितने एरिया को देखो, जिस पेड़ पर आ रही है उसको पूरा ग्रीन कर दिया, मतलब पूरा दिखाई दे रहा है वो बढ़िया से। और मेरे को एक बार उधर देखने के बाद कैमरा भी नहीं दिख रहा कि कहाँ पर है एक्चुअली में, गड्ढे हैं इधर देख के आना भाई। तो अब देखो हाँ एक चीज और टेस्टिंग करके दिखाते हैं यहाँ पे गाइस, अभी मैं लाइट के बिल्कुल पास हूँ, अब मैं जा रहा हूँ इससे दूर और आप देखना कि मैं कहाँ तक दिखाई देता हूँ, ठीक है। कैमरा सेटिंग से थोड़ा एडजस्ट करी जा सकती है ताकि मैं आपको दिखाई दे सकूँ, क्योंकि मैं दूर जा रहा हूँ भाग के गाइस। ओ यहाँ तक तो एकदम बढ़िया रोशनी दिख रही है, वो हो भाई सब कुछ दिख रहा है एकदम क्लियर, कुछ भी यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा हो। ओहो बहुत बड़ा लाइट सोर्स दिख रहा है, उल्टे चलते टाइम समझ में नहीं आ रहा नीचे क्या है, क्योंकि आंखों में जो है टॉर्च की रोशनी बहुत तेज आ रही है, दिख ही नहीं रहा कि आगे क्या है। ओहो अबे दिख नहीं रहा, ऐसे तो सब दिख रहा है इधर नहीं दिख रहा। चलो भाई साहब ये दोबारा नहीं करूंगा, मतलब 10 मिनट के लिए जैकेट निकाला है, हाँ ब्लिंक तो तब करूंगा ना जब थोड़ा सा गर्मी पहुंचेगी, मेरी आवाज ही बदल गई है गाइस ओए ये ठंड में भाग के क्या हो गया मेरी आवाज कैसी निकल रही है ये गाइस इसके इफेक्ट है इसमें बहुत सारे अंदर जो हमारी लाइट है उसके अंदर फीचर्स हैं एफएक्स। अरे यार मैं पहले सही से बोल रहा एक बार ये भागने की वजह से हो गया, कैसे हो गया इफेक्ट मत डालो आवाज सही हो तो पहले इस ठंड में भागने की वजह से एक बार मैं नॉर्मल बोलने की कोशिश करता हूँ यार, मेरी आवाज नॉर्मल क्यों नहीं निकल रही, अब थोड़ी थोड़ी आई है कहीं कहीं। ओए वो फंक्शन दिखाओ भाई जब आवाज जो है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सही हो रही है। हाँ ये अलग अलग फंक्शंस हैं, वीडियो में अगर कुछ इफेक्ट देना उसके लिए होता है, लेकिन हमारी टॉर्च में भी जो है बढ़िया से काम करेगा। यार चीज तो कुछ अलग ही है, कितना तेज है, इधर घुमाओ और। तो चलो चलो कैमरा पे रोकते हैं, वाओ सब कुछ दिख रहा है भाई, चलो चलो चलने दो घुमाओ। भाई साहब यहाँ पर जो चीज बनी है
वो गाइस वाकई में कुछ लाजवाब बनी है ना, मस्त बन के आई है ना। तो अगर आपको मज़ा आया इस चीज़ के अंदर, सुबह लगे थे ठंड में और शूट शुरू करते करते लगभग दोपहर हो गई थी, लेकिन रात को शूट फिनिश हो चुका है, चीज़ बन चुकी है, भले ही ठंड हो चुकी है, कोई गम नहीं है गाइस। तो यहाँ पर अब आप लोगों, यार मेरा जो गला है वो आज मेरा साथ नहीं दे रहा, अब जाके आवाज़ तो ठीक हो गई है। तो आप लोगों के लिए गाइस यहाँ पर काम है वीडियो को लाइक करने का, बस बाकी सारा काम हमने कर दिया है। हाँ 25 मिलियन का कभी 20 बोलता है, कभी 50 बोलता है, कभी 25 मिलियन गाइस 25 मिलियन ठीक है, जल्दी कर दो यार अब, ठीक है भाई फटाफट। हाँ यार मैं मेरे गले की क्या करवा ली आज पता है गाइस ठंड में जोश जोश के चक्कर में सब हो गया। तो प्लीज़ अगर आपको आवाज़ सही नहीं लगी है भाई मुझे माफ़ कर देना, मैंने वीडियो के लिए किया था, जो किया था उसके चक्कर में आवाज़ कैसे ऐसी हो गई। तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, फिर से आवाज़ क्यों बिगड़ रही है वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और भाई बिनोमो को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।